भाई अब आपको एक सच्ची बात बताऊं, मैं खो गया हूं भाई। कई कई बार ना ब्लॉगिंग भारी पड़ जाती है, आज मैंने सीख लिया है। तो भैया मेरे को सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मेरी हालत खराब हो रही है। हाँ जी, क्या हालचाल आप सभी के। मैं आपका भाई अनस पठान दोबारा आ गया एक और बहुत बेहतरीन ब्लॉग के साथ। तो यार देखो, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता ही है, तो यहीं से वीडियो को लाइक कर दो। आई डोंट नो क्या ग्लिच हो रहा है यूट्यूब का थोड़े दिन से, कि भाई व्यूज लोगों के नोटिफिकेशन आ रहे, मतलब मैसेज आ रहे हैं कि भाई हम पे नोटिफिकेशन नहीं आती हैं। तो भाई इसमें आप मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार। थोड़े पहले आप मदद कैसे कर सकते हो, वीडियो को यहीं से लाइक कर दो। और आप पीछे का बैकग्राउंड देखो यार, मतलब भाई मैंने पहाड़ हिल स्टेशन बहुत घूमे हैं, पर भाई ऐसा हिल स्टेशन भाई, मतलब ये जो है ना, ये फॉग है, और फॉग ऐसा लग रहा है मुंह पे जैसे पानी की बूंदे, मतलब ओस, हिंदी में बोलो तो ओस, मतलब भाई मैंने ऐसा एक्सपीरियंस, मज़ा आ गया। अगर मैं ये एक्सपीरियंस नहीं करता तो ये मिस हो जाता। मैं हूँ वही जो आप समझ गए हो, कमेंट में भाई क्लियर कर देना, मैं वहाँ पर हूँ। और वहाँ का वेदर, मतलब अभी थोड़ी देर पहले सब दिख रहा था, जैसे ही मैंने खाना वाना खाया वीडियो स्टार्ट करी, और यहाँ ऐसा वेदर हो गया, अब कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हम ना भाई बहुत देर से सुन रहे थे, मैं बता नहीं रहा था, मैं सोचा मजाक चल रहा है, पर भाई इस गांव का सच में ही नाम माचूतरे दिखा। तो भैया अभी इनका पोकर वोकर चालू है, अपनी स्लैंग आप पूरी चेक कर रहे हो भाई, और अपने को जमता नहीं है पोकर। तो भाई हम कह रहे हैं हम बोर हो रहे हैं, तो हमने सोचा थोड़ा रात का आपको नज़ारे दिखा के आते हैं। टाइम हो रहा है अभी 2:11, तो आ जाओ रास्ता दिखाता हूँ आपको रात को भाई, सुनसान बिल्कुल। गाड़ी की हेडलाइट के आगे बैठ के बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ लाइट है नहीं, गेट यहाँ पर खुद खोलना पड़ता है, सेल्फ सर्विस है। तो भैया गेट बंद कर लिया है, और आपने देखा है कि भैया चारों तरफ सुनसान है, पर मैं चाहता हूँ आपको दिखाना और अपना थोड़ा एक्सपीरियंस भी करना कि भैया कैसा है आसपास, कैसा माहौल है, क्या है, मतलब ये मानो ओस ही ओस है, बारिश जैसा होता है ना वैसी ओस गिरती है यहाँ पर। मैं आपको सामने का रास्ता दिखाता हूँ, ये देखो, ये जब है जब लाइट जली हुई है, और अब मैं लाइट बंद करके दिखाता हूँ आपको। देखो आप, इतना खतरनाक माहौल है, मतलब भाई यहाँ पर गाड़ी चलाने का ना अलग ही मजा आ रहा है। मतलब भीगी भीगी रोडें हैं, बाहर से जानवरों की आवाजें आ रही हैं, और बहुत सुकून है, और मौसम ना भाई, मतलब बहुत सारे हिल स्टेशन घूमा हूँ मैं, पर ऐसा मौसम भाई मैंने कहीं एक्सपीरियंस नहीं करा। कि मतलब हिल स्टेशन में भी ये होता है कि भाई धूप हो गई या बारिश हो गई या स्नोफॉल हो गई, यहाँ पर भाई ओस गिर रही है, वो भी पता ही नहीं है आपको, मतलब अभी हल्की सी धूप निकली और फिर से ओस, और मतलब ये मानो ओस की वजह से पूरी रोड भीगी हुई है। थोड़ा आगे तक जाते हैं, ऐसी फन लेते हैं, और जो चीज़ें कुछ दिखता है रात को तो वो दिखाते हैं, फिर वापिस चलते हैं घर, मतलब बंगलों में। मतलब आप ये लगा लो भाई कि विजिबिलिटी जो होती है ना वो जीरो है, और वो धुंध की वजह से नहीं है, वो ओस की वजह से है। तो मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का ऐसी जगह पर, तो भाई सही है, मज़ा आ रहा है। और मैं तो मतलब कोई ऐसे ज़्यादा सर्दी की चीज़ें लाया नहीं था, सिर्फ यही एक जैकेट है जो मतलब नॉर्मल है, जिम विम पहन के जा सकते हैं। मैंने सोचा कहाँ ज़्यादा ठंड होगी, पर भाई यहाँ सच में लिटरली ठंड है फुल, मतलब चारों तरफ से भाई गिरगिट विरगिट, मतलब उनकी आवाज़ आ रही है, जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं ना बारिश वाले, उनकी आवाज़ आ रही है, जैसे आपने पिछली वीडियो में भी देखा होगा। और ठंड भी हो रही है इस टाइम, तो सुबह के हिसाब से ना, मतलब दोपहर में थोड़ा सही हो गया था, रात को और ज़्यादा ठंड बढ़ गई। मतलब भाई आपको एक सरल शब्दों में समझाऊँ ना, मतलब घूप अंधेरा, एकदम घूप अंधेरा, और बाहर उतरने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैं गाड़ी से ही आपको दिखाता रहूँगा भैया, कहीं हल्की फुल्की लाइट हुई, कोई ढाबा होटल हुआ तो आपको बाहर उतर के भी दिखाता हूँ कि क्या माहौल है, पर अभी तो मुझे दूर दूर तक कोई लाइट दिख नहीं रही है। एक जगह ना मुझे लाइट दिखी है, तो मैं इसलिए रुका हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। पीछे आप देख सकते हो सिर्फ गाड़ी की लाइट है और कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको फ्रंट कैमरा करके दिखाता हूँ, मतलब ये मानो भाई डर लग रहा है बेहतरीन वाला है। देखो सिर्फ गाड़ी की लाइट है और कुछ भी नहीं, आगे देख सकते हो आप एकदम, और ये आवाज़ सुनना अगर आप एयरफोन या कुछ, ओ भाई साहब डर लग रहा है भाई, गाड़ी में चलो वापिस। डेयरिंग है हम, पर इतने भी नहीं है, गाड़ी में सेफ लग रहा है भाई, ऐसे परछाई सी लग रही है ना इधर, ऐसा लग रहा है कौन है, तो मुझे क्या करना चाहिए अब, थोड़ा आगे चलते हैं, चलो फन आएगा, आगे चलते हैं थोड़ा। ओ भाई ये खुद क्यों मिल रहा है, ओ
और जो मैं आपको ओस बता रहा हूँ ना, आप शीशे पे देख सकते हो। अभी देखो, अभी मैं देखो, अब ये क्लियर दिखा आपको बाहर से? देखो भाई, ये पूरी की पूरी ओस है, बारिश नहीं है यहाँ पर। मतलब आप ये मानिए, जब से मैं बंगलों से निकला हूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं दिखाया आसपास, सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जो गाड़ी चला रहा है इस टाइम। क्योंकि यार वो पोकर खेल रहे थे, पोकर में हमें इंटरेस्ट भी नहीं है, आता भी है खेलना, तो हमने सोचा चलो इनको भी डिस्टर्ब नहीं करते और खुद भी बोर नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा एक हल्का सा राउंड मार के आ जाते हैं और आपको भी एक व्लॉग भी बना लूंगा रात का, आपको दिखा भी दूंगा कि कितना क्या माहौल है रात को, कैसा होता है, क्योंकि दिन में जितना अच्छा हो गया दिखा रहा हूं। और कल हम शायद किसी उसमें जाएंगे, वाटरफॉल में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना यार बहुत चीज़ें बंद हैं। मैं जितनी हो सकता है कवर करूंगा और आपको दिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहीं से लाइक कर दो यार, क्योंकि लाइक से ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यूट्यूब पे कोई ग्लिच चल रहा है जिसकी वजह से हमारे व्यूज़ थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, लाइक्स भी नहीं आ रहे हैं, तो भैया थोड़ी सी हेल्प सपोर्ट मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। भाई अब आपको एक सच्ची बात बताऊँ, मैं खो गया हूँ। मतलब नेटवर्क भी तो नहीं आ रहे। 3:30 हो रहे हैं भाई, खोया। अरे यार इसकी मतलब नेटवर्क भी नहीं आ रहे, गाड़ी में सो जाएंगे यहीं। तो अब सीन ये हुआ भैया, शीशा बंद करूं मेरी, अब मुझे डर लग रहा है। और सीन ये हुआ कि भाई यहाँ पर कट है, अब मैं इस कट पे आगे जाके वापस आ गया, पर मेरे को कोई जान पहचान, मतलब कोई भी वो क्या कहते हैं उसे, कोई भी मतलब देखी दिखाई चीज नहीं लगी। और अब क्या करूं, भाई अगर आपको दिख रहा हो शायद पीछे कट है, और ये जो आप बूंदे देख रहे हैं ये ओस है। अगर ये वीडियो अपलोड हो गई तो समझ जाना मैं सही सलामत पहुंच गया था जहां आया हूं। भाई कोई भी नहीं है पीछे, मुझे डर लग रहा है और व्लॉग भी बनाना, क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये मेंढक मेंढक की आवाजें आ रही होंगी, भाई मैं अंदर ही जा रहा हूँ यार, रुक जाओ अंदर जाके बताता हूँ। यहाँ पर एक कट आ रहा है और मेरी आवाज, अंदर जा रहा हूँ मैं। तो भैया यहाँ पर एक कट आ गया है, इस कट में मैं घुमाया पर कुछ मिल नहीं रहा, दिल की धड़कने बढ़ गई है, बाहर विजिबिलिटी कम होती जा रही है, मैं गाड़ी में सो जाऊं, मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं भाई साहब। अरे भाई मेरे को सच में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इस टाइम मैं ब्लैंक हो गया हूं, बीच जंगल में फंस गया इसकी बहन, क्या अच्छा फन करने निकला था। और जो मैं कह रहा हूं ना, कट ये कट है और एक रोड सीधी जा रही है। मैं इस कट में, मैं क्योंकि यहां से बाहर आया था, मैं बहुत आगे तक घुमाया, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब रोड पतली पतली होती जा रही है। अब क्या करा जाए भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भैया सबसे अच्छा मुझे ऑप्शन यही लग रहा है कि थोड़ा आगे चलते हैं, बस नेट ढूंढते हैं, ज्यादा आगे पीछे नहीं जाते हैं। ये कट यहाँ पर है, इस पे येलो बोर्ड लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है दिख भी नहीं रहा, देखो अब क्या होता है। ओ भाई अब नेटवर्क, नो नेटवर्क ब्रो, नो सर्विस। और ये मत सोचना इसमें सिम नहीं है, मैं आपको उल्लू बना रहा हूं, मैं आपको दिखा भी दूंगा जैसे ही नेटवर्क आएंगे, मैं आपको इसमें नेटवर्क भी दिखा दूंगा, रुक जाओ। तो भैया मेरे को सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मेरी हालत खराब हो रही है, क्योंकि मैं यहां पर सीधा सीधा जा रहा हूं, मेरे को कोई रास्ता मतलब कोई कट नहीं दिख रहा है। तो मैं सोच रहा हूं, कुछ सोच ही नहीं पा रहा मैं तो, अब बारिश और बढ़ती जा रही है हल्के हल्के, तो क्या करूं भाई, रास्ता भी तो ऐसा बेहतरीन वाला हो रहा है भाई, कुछ समझ से ही परे हो रहा है। सबसे पहले आप ये देख लो कि नेटवर्क आ रहे हैं, कोई मतलब फेक वेक नहीं है, तो मैंने कॉल करता हूँ, और कॉल लग जाए तो भाई अच्छी बात है। बिल्कुल ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना चाहिए, इसलिए मैं हल्के हल्के जा रहा हूँ, और नेटवर्क वेटवर्क यहाँ आ नहीं रहे हैं। रास्ता आप देख सकते हो, चलो बारिश वारिश जो हो रही थी वो तो रुक गई है। अरे भाई साहब, अबे भाई वो कट ही नहीं मिल के दे रहा यार, कट ही नहीं मिल के दे रहा। नेटवर्क आए, मैंने फ़ोन करा,
ये क्या लिखा है? ये भाई कुछ लिखा हुआ है पर मेरे को समझ से नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। नहीं हो रहा भाई, ये देख लो, फिर नेटवर्क नहीं आ रहे, क्या करूं ऐसे सिचुएशन में भाई, दिमाग भी तो काम नहीं करता। अच्छा फन लेने आया यार, आराम से बैठा हो, पोकर ही खेल लेता भैया, वो भी परेशान हो रहे होंगे। 1.5 घंटा हो गया यार मुझे बेखामती का, अम्मी वीडियो देखी, अरे अस्सलाम वालेकुम मम्मी, पापा को मत बताना, देखो यार पापा को मत बताना मम्मी, मैं कर लूँगा। ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, बस चारों तरफ जंगल है और अकेला मैं घूम रहा हूँ यहाँ पर, बाकी सब ठीक है और बारिश हो रही है बाहर, बाकी सब ठीक है मम्मी। भाई अभी तो मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा, बस मैं चलता जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, कुछ नहीं पता। ये देखो भाई नेटवर्क आ रहे हैं इसमें, दोनों के नेटवर्क, ई भी आ गया, एक मिनट भाई एक मिनट, ई आ गया, मैसेज करके देखता हूँ। ई बना आ तो रहा है पर भैया मैसेज ना जा रहे ना आ रहे, मेरा तो भैया आ ही नहीं रहा एयरटेल बिल्कुल भी, क्या हो रहा है ये। चलता जा रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, सच में दिमाग काम नहीं कर रहा, समझ नहीं आ रहा कि रुकूं, रुकने पे भाई अजीब सी दहशत सी हो रही है, चलूं क्या ही है यार। एक वो गांव भी आया था वो भी नहीं दिख रहा, मोठेश्वर कहीं ऐसी जगह हूं मैं, शिट हो गया ब्रो। अच्छा फन, आप अच्छा फन, मैं सोचा था यहीं जाऊंगा, नॉर्मल सा रास्ता होगा, इसलिए कहते हैं नजरें हटी दुर्घटना घटी। अब मैं बता भी रहा हूँ, मम्मी भी टेंशन लेंगी, मम्मी यार आप फोन करोगी ना, देखो बात सुनो, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आते तो चिल करो, सब ठीक है, बच्चा नहीं हूँ, पहुँच जाऊँगा घर, बस थोड़ा डर लग रहा है, बाकी सब ठीक है। एक देखो, एक ये भी कट है, एक ये रोड जा रही है, और पीछे देखोगे क्या है, मैं भाई इस टाइम बहुत डरा हुआ हूँ, पर सच बताओ मेरे दिमाग में मैन वर्सेस वाइल्ड वाला आ रहा है कि वो क्या करता है इस टाइम। खाने को बिस्किट है एक रखा हुआ है, टाइम कितना हो गया मुझे डोलते हुए, टाइम हो गया 3:48। ओ भैया अगर ये अपलोड हो गई ना वीडियो तो समझना मैं साथ खेरियत के घर पहुंच गया था। भाई अभी एक और कट आया है, ये देखो, ये आगे चलते चलते ना सीधा सीधा चलते चलते एक और कट आया ये वाला, तो मैं सोच रहा हूँ ये वाला कट है, तो अब मैं यहाँ पर जाके देखता हूँ। और देखो भैया यही कट करे ऊपर वाले, प्लीज यही कट हो, बाकी अब इस कट में जाके पता चलेगा। भैया हम घुस तो गए, ना गाड़ी है ना बाइक है ना कुछ है, बस ये मेंढक गिरगिट और क्रिकेट जो भी होते हैं सबकी आवाज़ आ रही है। भाई साहब वहाँ जाना है मुझे, कौन सा विला था, बंगलो, अरे समझते हो, अरे कैसे समझाऊँ, क्या बोलूँ। भाई यार मैं खो कैसे सकता हूँ मैं इतना, मुझे तो ये पता नहीं कौन सा उम्रो विला आ गया। भाई यार वो कट है ना, कट की वजह से बड़ी दिक्कत हो गई, मैं सीधा सीधा चलता रहा, कट के बाद जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ से सीधा सीधा जा रहा हूँ, क्या पता और कोई कट हो क्या हो, पर भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, खड़े रहने से अच्छा है चलते रहो खड़े होके, क्योंकि भाई अजीब सी दहशत हो रही है इधर। भाई रास्ता तो अब और मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, अब ये दो कट और आ गए हैं, क्या करना चाहिए, लेफ्ट या राइट, इस टाइम कुछ सही नहीं चल रहा है तो लेफ्ट ही चलते हैं, फिर वापस आके राइट जाएंगे। अरे भैया क्या हो रहा है यार ये, भाई बस आप सामने की ये बारिश देखो, बारिश नहीं है ओस है, और मैं क्या बताऊं कुछ समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पर मुझे सुनने वाला कोई भी नहीं है, कट पे कट, कट पे कट, हद हो गई है भैया, क्या करूं मैं। भाई कटों से परेशान हो गया, देखो अब एक और कट दिख रहा होगा शायद, एक ये रहा और एक ये रहा सीधा, तो दिमाग तो कुछ बोल नहीं रहा है, खो तो ऐसे तो खोएंगे नहीं, बच्चे हैं कुछ ऐसी घबराहट नहीं है, बस ये है कि हाँ भाई वो फिक्र कर रहे होंगे, तो सीधा ही चलते हैं। अब वो भाई वो गाली बकेंगे सच में, वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ। सोने पे सुहागा पता है क्या हुआ,
टायर भी फटा हुआ है, देख रहे हो। वो तो भैया इसमें मिल गया मुझे नंबर वंबर, मैंने फोन करा है अभी, और मैं यहाँ पर भाई कई कई बार ना व्लॉगिंग भारी पड़ जाती है, आज मैंने सीख लिया है। ओ वेट कर रहे हैं भैया उनका आने का अब, क्योंकि इसका टायर भी पंचर है, स्टेपनी है नहीं वो उठाने वाला जैक, सिर्फ टायर तो मिल गया हमें और इसमें कीड़े भी आ गए हैं। तो भैया अब क्या ही होगा, अब आपको बताऊंगा। या तो ये पहले से फटा हुआ है, देख रहे हो उंगली जा रही है टायर में, या तो पता नहीं क्या हुआ है, और ऐसे कैसे फटा है मुझे समझ भी नहीं आ रहा। घूम रहा है सो यार, ये चीज़ बिल्कुल ही स्ट्रेंज हुई उस टाइम, ये जब से हम पोकर वोकर, अब मैंने कहा भाई पोकर ही खेल लेते हैं, पर बिल्कुल स्ट्रेंज चीज़ है। चलो ऊपर वाले ने भाई जो भी हुआ अच्छे के लिए होता है, हम आ गए थे, सब हो गई, सब ने समझाया भी कि भाई ऐसे, मैंने कहा यार व्लॉगिंग लाइफ, लाइफ इज़ व्लॉगिंग, पर मुझे लगा कई बार व्लॉगिंग नॉट लाइफ। तो आई होप आपको जो भी हुआ भैया आपको दिखाया मैंने, हम नॉर्मल सा व्लॉग बनाने गए थे, हम खो गए, फिर टायर फट गया। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग, और ऐसा स्टंट आप कुछ मत करना क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ओके बाय।